खबर चंपावत से। मेडिकल स्टोर्स पर प्रशासन की छापेमारी। चंपावत जिले के टनकपुर नगर में स्थानीय प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त छापेमारी कार्रवाई से मेडिकल व्यवसायियों में हड़कंप मचा। टनकपुर क्षेत्र में लगातार नशीली दवाओं और इंजेक्शन की बिक्री की शिकायत मिलने के बाद SDM टनकपुर हिमांशु कफलटिया के नेतृत्व में पुलिस स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने टनकपुर नगर के मेडिकल स्टोर में छापेमार कार्रवाई की। प्रशासन की छापेमार कार्रवाई में जहां मेडिकल स्टोरों में तमाम अनियमितता पाई गई, वहीं एक क्लिनिक में एक्सपायरी दवाओं के मिलने पर प्रशासन द्वारा उसे सीज भी किया, जबकि 4 अन्य मेडिकल स्टोरों पर दवाओं का रिकॉर्ड सही नहीं पाए जाने पर 2,000 की चलानी कार्रवाई कर उन्हें भी सख्त चेतावनी जारी की। SDM टनकपुर हिमांशु कफलटिया ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि टनकपुर नगर में नशीली दवाओं और बिना डॉक्टर की सलाह के दवाओं की बिक्री की लगातार शिकायतें प्रशासन को मिल रही, जिस पर प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मेडिकल स्टोर्स पर संयुक्त छापेमार कार्रवाई की। छापेमार कार्रवाई के दौरान मेडिकल स्टोर्स में मिली अनियमितताओं पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई कर सख्त चेतावनी भी जारी की गई। छापेमार कार्रवाई में SDM टनकपुर के साथ CO टनकपुर अविनाश वर्मा, नायाब तहसीलदार पिंकी आर्य, SSI सुरेंद्र खड़ायत और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद रही। हमें कुछ शिकायतें मिली थी कि कुछ मेडिकल स्टोर द्वारा स्थानीय लोगों को कुछ नशे से संबंधित और कुछ ऐसी जो कि बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के ड्रग्स नहीं दिए जा सकते, ऐसे ड्रग्स दिए जा रहे हैं, उनकी ओवर द काउंटर सेल करी जा रही है। इसी इन्फॉर्मेशन पे आज पुलिस और प्रशासन द्वारा और मेडिकल डिपार्टमेंट द्वारा एक ज्वाइंट हमने ऑपरेशन चलाया था, जिसमें कि कुछ स्थानीय जो मेडिकल जो ओनर थे उनके हमने छापे मारे थे। इसमें हमें बहुत अनियमितताएँ मिली हैं और इनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो करी जा रही है। तो चेतावनी जारी की गई है, दवाई इसको लेकर चेतावनी जारी करी गई और साथ में इनके चालान भी काटे गए। खबर भारतवर्ष के लिए चंपावत उत्तराखंड से पार्वती देवी की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।